18वां प्रश्न है, वैदिक विधि से हमें घनमूल ज्ञात करना है। दी गई संख्या है 2, 2, 6, 6, 5, 1, 8, 7। हमें दी गई संख्या इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम दी गई संख्या के जोड़े बनाते हैं, इकाई को, इकाई से शुरू करके। तो इकाई के अंक पर है 7, तो पहला जोड़ा 3 का क्या बनेगा? 3 के हमें जोड़े बनाने हैं, क्योंकि हमें यहाँ घनमूल ज्ञात करना है। तो 3 के जोड़े बनेंगे 7, 8, 1। हमारा एक जोड़ा तो इन संख्याओं का बन गया। एक जोड़ा बनेगा 5, 6, 6, और एक जोड़े में 2, 2, दो ही संख्याएं होंगी। अंतिम जोड़े में 2 संख्याएं होंगी, 2, 2। तो इस प्रकार हमारे 3 जोड़े बन गए। 3 के जोड़े बनाते हैं, और यदि हमें अंत में अगर 2 संख्याएं मिले, एक संख्या मिले, तो उसको भी जोड़ा ही माना जाता है। तो हमने 3 जोड़े प्राप्त कर लिए, अर्थात जो घनमूल हमें प्राप्त होगा उसमें 3 अंक होंगे। अब हम एक मौखिक क्रिया करते हैं, हम पहले 9 जो अंक हैं उनके घनमूलों को, उनके घन को देखते हैं। उनके घन के मान इस प्रकार होते हैं, जो हमें याद भी रहने चाहिए। अब जो दी गई संख्या है उसका इकाई का अंक देखते हैं। यहाँ इकाई के अंक पर 7 है, इकाई के अंक पर 7 है, तो हमें ऐसे घन के मान को देखना है जिसमें इकाई के अंक पर 7 मिले। तो दी गई लिस्ट में इसमें यहाँ हम देखते हैं कि 27 जो है उसमें 7 जो है वो इकाई के स्थान पर है, और वो होता है 3 का क्यूब। 3 का घन 27 होता है, जिसमें इकाई के स्थान पर 7 है। अर्थात जो हमें ये 3 अंकों का घनमूल मिलेगा उसमें भी इकाई के स्थान पर 3 होगा, उसमें इकाई के स्थान पर 3 होगा। तो हमने एक अंक तो ज्ञात कर लिया कि इकाई के स्थान पर 3 होगा। अब हम सबसे पहले वाले जोड़े को देखते हैं, जो कि है 22, जो कि है 22, और 22 में हम पाते हैं कि 22 से छोटा जो घन है वो क्या है, 22 से ठीक छोटा वो 8 है, क्योंकि 27 जो अगला है 3 का घन वो तो 22 से अधिक हो जाता है, इसलिए 8 जो है वो किसका घनमूल है, वो किसका घन है, वो है 2 के क्यूब का। 2 का क्यूब 8 होता है। तो हमें जो इकाई, जो पहला अंक मिला घनमूल का, वो होगा 2। अर्थात मौखिक कार्य से हमने प्राप्त कर लिया कि हमें जो घनमूल का पहला अंक है वो तो मिला 2, और जो इकाई के अंक पर मिला वो है 3। अब हमें बीच का अंक ज्ञात नहीं है। हम यहाँ इसके अब क्रियापद को समझते हैं और घनमूल को ज्ञात करते हैं, वैदिक विधि को समझते हैं। तो देखो, हम जो दिया गया, दी गई संख्या है उसको तो यहाँ लिख लिया, और हमने इस प्रकार से एक तो वर्टिकल लाइन खींच दी और कुछ पंक्तियाँ बना ली। हमने इस तरह की लाइनें खींच के कुछ पंक्तियाँ बना ली। जो दी गई संख्या है वो हमारी यहाँ पर हमने लिख ली, 2, 2, 6, 6, 5, 1, 8, 7, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ क्योंकि हमें सबसे पहला जो अंक है वो है 2, तो हम 2 के क्यूब को घटाएंगे। तो सबसे पहले हमने 2 का क्यूब अर्थात 8 घटाया, और हमें 22 में से 8 घटाने से क्या मिलता है, 14। 6 हम नीचे उतार लेंगे। अब देखो यहाँ हमारा तरीका क्या रहता है कि हम जानते हैं a प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यह हमारा मान होता है। तो ए क्यूब को तो हम यहाँ लिखेंगे, 3a² b को दूसरी पंक्ति में लिखेंगे, अगली पंक्ति में 3ab² और फिर बी क्यूब, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो a तो हम यहाँ किसको मान लेंगे, a तो हम मान लेंगे हमारे पहले जो है 2 को हमने a मान लिया। b हमको यहाँ पता नहीं है, b हमें ज्ञात करना है। तो b को ज्ञात करने के लिए, और उसमें हम 3a² b को लिखेंगे। तो हमने अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में हमने 3 into a² अर्थात 3 into 2² लिख लिया। मान कितना हो गया, 3 into 2² का यदि हम मान देखें तो 4 × 3 = 12। 12 को हम किस संख्या से गुणा करें कि वो मान 146 हो या उससे छोटा हो। तो 12 को हम यदि 12 के पहाड़े को पढ़ते हैं, तो 12 को यदि हम 7 से गुणा करें तो 12 × 7 मान होता है 84। अगला संख्या लें, 8 लें, तो 12 × 8 ये मान होता है 96।
12 गुणा 9 लें तो 12 गुणा 9 मान आता है 108। अब मान यदि हमने 12 गुणा 9 ले लिया तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। 12 गुणा 9 से हमें क्या स्थिति बनती है इसको समझते हैं। तो 12 गुणा 9 से हमें प्राप्त हुआ 108। 12 गुणा 9 मान आता है 108। यदि हम इस 146 में से 108 को घटाएं तो हमें क्या मिलेगा? 146 में से हमने 108 को घटाया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है 38। और ये 6 हमें नीचे उतारना पड़ेगा, ये 6 जो है ये हमें नीचे उतारना पड़ेगा। तो हमें क्या मान मिल जाएगा? हमें मान मिल जाएगा 386। ये हमें मान मिल जाएगा। अगले कॉलम में क्या आएगा? 3 गुणा 2। अगले कॉलम में आएगा 3 गुणा 2 गुणा 9 का स्क्वायर। तो मान कितना हो जाता है? ये मान हो जाता है 486। अब 486 जो है वो 386 से अधिक संख्या मिल जाती है, 386 से अधिक संख्या मिल जाती है जो कि हम घटा नहीं सकते, ऋणात्मक मान आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ 9 नहीं ले सकते, हम यहाँ 9 नहीं ले सकते। तो हमें 9 से एक छोटी संख्या लेनी है। 9 से हमने छोटी संख्या ली तो हमने यहाँ 8 लिया। अब 8 लेने से क्या मिलता है हमें? 3 गुणा 2 का स्क्वायर 12, 12 गुणा 8 96। तो 146 में से हम 96 घटा दे रहे तो हमें ऋणात्मक मान नहीं मिलता। हमने यहाँ पे 96 लेना है और हमें ऋणात्मक मान नहीं मिलता। तो यहाँ यदि हमने 8 लिया है तो यहाँ अब हमें 8 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और 3 इंटू सूत्र के अनुसार, क्योंकि हमारा सूत्र क्या है यहाँ पर, अब 3 ए बी स्क्वायर आएगा और फिर बी क्यूब आएगा, इसलिए यहाँ हो गया 3 ए अर्थात 2, बी का स्क्वायर अर्थात 8 का स्क्वायर, और यहाँ बी क्यूब अर्थात 8 का क्यूब आ गया। और हमने 146 में से अब घटाया 96 को तो हमें अब कोई ऋणात्मक मान नहीं मिलेगा। 50 जो घटाने पर आया 50, 6 हमने नीचे उतार लिया, 6 नीचे उतारने से 3 गुणा 2 गुणा 8 का स्क्वायर, ये मान होता है 384। 384 हम घटा सकते हैं, कोई ऋणात्मक मान नहीं मिला और घटाने से हमें मिला 122। इस 5 को हमने नीचे उतार लिया, ये 5 हमने जो है इसको नीचे यहाँ उतार लिया। 5 नीचे उतारने से हमें क्या मिल गया? 1225। 8 का क्यूब है हमारी अगला जो जिसको हमें घटाना है, तो 8 का क्यूब होता है 512। 1225 में से 512 घटाने से हमें मिलता है 713। और इस एक को हमने पुनः नीचे उतार लिया, ये एक हमारा पुनः नीचे उतर गया, मान हो गया 7131। अब हमें क्या चुनना है? हमें यहाँ पर 28 का वर्ग करना होता है। 28 का वर्ग हमने कर दिया, 3 इंटू 28 का वर्ग सूत्र के अनुसार, और यहाँ 3 हमने लिख दिया क्योंकि इकाई का अंक हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं कि हमारे घनमूल में इकाई का अंक 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। तो 3 यहाँ यदि लिख दिया तो अगले पद में हमारे को क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 इंटू 28, 28 के वर्ग पहले लिया है तो अब 28 हो जाएगा, पहले हमने 3 लिया है तो अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अगले पद में हमें घटाना होगा 3 का क्यूब। तो हम 7131 में से अब 3 इंटू 28 स्क्वायर इंटू 3 को घटाते हैं तो ये मान कितना आता है? ये मान हो गया 7056। जब हमने 7131 में से 7056 घटाया, मान कितना आ गया? 75। 8 को हमने ऊपर से पुनः नीचे उतार लिया, ये 8 हमने यहाँ से नीचे उतार लिया और मान हो गया 758। अब हमें घटाना है 3 इंटू 28 गुणा 3 स्क्वायर, तो ये मान हो गया 756। 756 घटाया तो मान उतरा, घटाने से मिला 2, और 7 को हमने यहाँ से नीचे उतार लिया, मान हो गया घटाने के बाद 27, जिसमें 3 का क्यूब घटाने से, 3 का क्यूब होता है 27, अर्थात 27 घटाने से हमें शेषफल मिला 0, और ये शेषफल हमें
जीरो आना चाहिए क्योंकि दी गई संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार हमने जो अभिष्ट घनमूल प्राप्त किया है वो हमारा अभिष्ट घनमूल हो गया 283। तो हमने जो दी गई संख्या का घनमूल क्या प्राप्त किया, हमारा दी गई संख्या का अभिष्ट घनमूल है 283।